पे एसिड अटैक किया गया, ये काफी शर्मनाक बात है। जिस कश्मीर को आप पिरवर बोलते हो, जिस कश्मीर को आप बोलते हो यहाँ अवलिया का साया है, जिस कश्मीर को आप सबसे प्रोटेक्टेड जगह मानते हो, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज कश्मीर में ऐसे वाकात सामने आ रहे हैं जो दिल दहलाने वाले वाकात हैं। ऐसी चीजें देखने को मिल रही है जो हम कभी तसव्वुर नहीं कर सकते थे। काफी बदकिस्मती की बात है कि कल हमारी एक बहन पे एसिड का अटैक हुआ। देखिए, अगर आज हम आवाज नहीं उठाएंगे, अगर आज हम बात नहीं करेंगे, तो कल जो एक बहन थी परसों हमारी बहन होगी, उसके बाद एक और बहन होगी, उसके बाद हमारी माए होगी। देखिए, ये एक खौफ और दहशत का माहौल यहाँ पे पैदा हो रहा है। जिस तरीके से आप देख रहे हो कि कल जब हमारी बहन पे एसिड का अटैक हुआ, तो उसी वक्त ये सारी चीजें देखने को मिली कि लोग घरों से बाहर आए। मकसद हमारा एक ही है कि कश्मीर जो अमन की जगह है, जो पीसफुल लैंड है, कभी यहाँ पे आजकल देखने को मिलता है कि इनोसेंट किलिंग्स हो रही है, कभी दूसरे तरीके से यहाँ पे एसिड के अटैक्स हो रहे हैं। देखिए, मैं गुजारिश करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, जो इस सारी चीज में मुलावस है, ये जो घंटाघर है यहाँ पे, उन सारे वो उन जालिमों को ला करके इसी घंटाघर पे लटका दीजिए, ताकि हमारा कश्मीर का हर एक नौजवान उसके दिमाग में ये बात रहे कि अगर कभी भी उन लोगों ने इसके बारे में सोचा भी, किसी की भी बहन को, किसी की भी बेटी को अगर उन्होंने सोचा भी कि हम एसिड का अटैक करें, तो अंजाम ये घंटाघर होना चाहिए।